अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं किमला शाह। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपसे शेयर करूंगा ये लिकोरिया के बारे में है। लिकोरिया को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाला नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगा। आसान नुस्खा है। ऐसी खवातीन, ऐसी लड़कियाँ जिनको लिकोरिया का मसला है, लिकोरिया चाहे पुराना है या नया है, लिकोरिया की कितनी इकसाम है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और लिकोरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लिकोरिया किसको कहते हैं। अक्सर जो लड़कियां होती हैं, जो नौजवान लड़कियां होती हैं, जो नई नई जवानी में कदम रख रही होती हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उनकी अंदाम में नानी से जो रतूबात बह रही है इसको कहते क्या है। तो लिकोरिया जो है ये जब बच्ची नौजवानी में कदम रखती है उस वक्त से ले के बुढ़ापे तक, ये किसी भी उम्र में किसी भी वक्त जो है ये लिकोरिया का मसला बन सकता है। लिकोरिया जो है ये दो किस्म का होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है पैथोलॉजिकल। आम जबान में अगर मैं आपको बताऊंगा तो एक लिकोरिया होता है जो सफेद रंग का पानी होता है, बेबू पानी होता है, जो कि हर वक्त औरत की अंदाम नहाने से जो है जो शर्मगाह है औरत की शर्मगाह से हर वक्त बहता रहता है। वक्फे वक्फे से बह सकता है, दिन रात में बह सकता है, और ख़ास तौर पर मखसूस वक्त पर ये लिकोरिया जो है ये बहुत ज़्यादा बहने लग जाता है। उसके अलावा जो दूसरा किस्म का होता है ये होता है पीले रंग का, जर्द रंग का बदबूदार लिकोरिया होता है। ये भी ऐसे ही होता है, जब ये शदीद हो जाता है लिकोरिया, जब ज़्यादा अरसे का हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उस वक्त जो है इसमें से बदबू आने लग जाती है, पीले रंग का, जर्द रंग का गाढ़ा मवाद होता है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का लिकोरिया होता है। ये भी हर वक्त बह सकता है और मखसूस वक्त पर भी ये लिकोरिया बह सकता है। अब होता क्या है, इसको आम जबान में पंजाबी अगर मैं बात करें तो इसको हड खोर की बीमारी कहते हैं। हड खोर इसलिए कहते हैं कि इसकी वजह से जो है जो लड़कियां होती हैं, जो खवातीन होती हैं, उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ पैदा हो जाती हैं। कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, जिस्म में दर्द, ज़हनी टेंशन, परेशानी, एग्जाइटी वगैरह का मसला बन जाता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, ज़रा सा काम करती हैं थक जाती हैं, काम करने को दिल नहीं करता, बेचैनी पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि औरत जो है उसका रंग जो है ये भी जो है वो तब्दील हो जाता है, रंग इसका पीला हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। तो इसलिए इसको हड खोर कहते हैं कि ये इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। ये जो लिकोरिया होता है ये इंसान की जिस्मानी कमज़ोरी का सबसे बड़ा, जो ख्वातीन की जो जिस्मानी कमज़ोरी है सबसे बड़ा जो असर होता है यही होता है। अगर किसी भी ख्वातीन में, किसी भी औरत में, लड़की में टांगों में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है, तो उसको सबसे पहले यही उसको पूछना चाहिए कि क्या आपको लिकोरिया का मसला तो नहीं होता। तो मैं 99% यकीन से कह सकता हूँ उसने यही कहना कि मुझे लिकोरिया का मसला होता है, तो इस वजह से जो मेरे कमर में दर्द रहती है। जिस्मानी दर्दें इस नुस्खे से ख़त्म हो जाएंगी। टांगों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, लाजमी बात है भाई जब लिकोरिया ठीक हो जाएगा, औरत को सेहत मिल जाएगी, शिफा मिल जाएगी, तो उसकी वजह से जो लिकोरिया की वजह से उनको मसाइल थे, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी, ज़हनी टेंशन, परेशानी, हर वक्त इसी टेंशन में लगा रहना, पैड बनाना पड़ेगा या मतलब कपड़ा रखना पड़ेगा, चिप चिप का मसला बनता है, बहुत से मसाइल होते हैं औरतों को, तो जब इससे उसकी ज़हनी टेंशन ख़त्म हो जाएगी तो वो उसको ना जिस्मानी दर्दें महसूस होंगी, ना उसको दर्द रहेगा, ना उसको टांगे दर्द करेंगी, ना उसको किसी किस्म की परेशानी होगी। तो नाज़रीन, ये जो नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगा इससे क्या होगा, एक तो लिकोरिया से जो कमज़ोरी पैदा हो गई है ये ख़त्म हो जाएगी, टांगों में दर्द है, कमर में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, ज़हनी टेंशन ये ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा असाबी कमज़ोरी है, असाबी खिंचाव है या चेहरे की रंगत तब्दील हो गई है, चेहरे की रंगत को निखारेगा, चेहरे की रंगत को खूबसूरत लाल सुर्ख सफेद बना देगा, कमज़ोरी ख़त्म करेगा। उसके अलावा जो लिकोरिया चाहे जिस किस्म का भी है, फिजियोलॉजिकल है चाहे पैथोलॉजिकल है, सफेद गिरने वाला पानी है या ज़्यादा रंग का पानी है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करने का कुदरती और मुअस्सर जरिया है ये नुस्खा जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, मैं आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नया दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना, आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे आपको हमारे चैनल पर हर मार्च की वीडियो मिल जाएगी। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक
نوجوانوں کے امراض ہیں، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں، بچوں کے امراض ہیں، اور اس کے علاوہ بزرگوں کے امراض ہیں، تقریباً ہر مرض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو، آپ کے کسی دوست، احباب، رشتہ دار کو، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ اتنا ناظرین کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے زار نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، موچرس لینا، آپ نے موچرس، گل نیلوفر، لود پٹھانی، گوند، کتیرا، الائچی کلا کے آپ نے دانے لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے گوند، ککر، کمر کس، خار خسک، چھوارے، مجیٹھ اور نشاستہ، یہ ساری چیزیں آپ لینی ہے 50-50 گرام، اور آخر میں آپ نے مصری لینی ہے، یہ آپ لینی ہے 100 گرام۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ساری چیزیں آپ نے الگ الگ گرائنڈ کرنی ہے، گرائنڈ کر کے آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے، سفو بنانا ہے، مصری بھی آپ نے اس پہ کوٹ کر شامل کر لینی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ایک بڑا چمچ جو ہے، بڑا چمچ جو ٹیبل اسپون ہوتا ہے، یہ آپ نے ایک ایک صبح نہار منہ اور شام کو عصر کی نماز کے بعد رات کے کھانے سے 2 گھنٹے پہلے تازے پانی کے ساتھ استعمال کر لیں۔ اگر دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ ہے، اور شام کو عصر کے بعد بھی آپ نے دودھ کے ساتھ، ایک گلاس دودھ کے ساتھ ایک چمچ جو ہے، یہ صبح و شام استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ مسلسل استعمال سے، اللہ کے فضل و کرم سے، جتنا بھی پرانا لکھوریا ہے، نیا ہے، پرانا ہے، فیزیولوجیکل ہے، پیتھالوجیکل ہے، زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا پانی آتا ہے یا سفید رنگ کا پانی آتا ہے، تو انشاءاللہ عورت کی شرمگاہ سے کسی بھی قسم کی رطوبات بہتی ہیں، لکھوریا آتا ہے، پانی گرنے کی بیماری ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں، جو فائدہ ہوگا اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔